स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद लाइन स्पेशल में बात करेंगे एक सड़क हादसे की। विजयदशमी पर रामगढ़ के बरकाकाना में बड़ा हादसा हुआ है। बेलगाम ट्रक के रौंदने से एक बच्चे समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि दशहरा मेला घूमने निकले लोगों को बेलगाम ट्रक ने रौंद दिया। चेहरे पर रामगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। हिट एंड रन का बड़ा मामला सामने आया है। बेलगाम डंपर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया, साथ ही सड़क किनारे खड़ी 2 बाइक को भी अपने चपेट में ले लिया। हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, वही 3 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सभी लोग दशहरा मेला घूमने जा रहे थे, इसी दौरान बेलगाम डंपर ने उन्हें रौंद दिया। कुंडस की ओर से आ रही थी एक ट्रक, जो मतलब यहाँ पे घर के पास गाँव है, वहाँ पर मार दिए, जिसमें मतलब 5 आदमी छोटे बच्चे लेकर के 5 आदमी की मौत हो गई घटनास्थल पर। बरकाकाना के पेट्रोल पंप के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने खदेड़ कर डंपर चालक को पकड़ लिया, लेकिन सवाल ये है कि नो एंट्री के समय में आखिर कोयला लदा ये डंपर कहाँ से आया? सर, नो एंट्री में कोयला लदी गाड़ी जाना कई सवाल था। ये सब समझ हम लोग हमको भी नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रहा था, कि यहीं रुका हुआ था, ये अभी हम लोग जाँच करके बताएंगे। हादसे के बाद सड़क पर लाशें बिछ गई, टुकड़े टुकड़े में शव सड़क पर बिखर गए। ऐसा दर्दनाक हादसा कि हम आपको उसकी तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। घटना से लोगों में आक्रोश है, वही दर्दनाक हादसे ने दशहरे की खुशी को मातम में बदल दिया। न्यूज 11 भारत के लिए रामगढ़ से महावीर की रिपोर्ट। तो त्यौहार की खुशी मातम में तब्दील हो गई है। सीधे रुख करेंगे रामगढ़, जहां हमारे सहयोगी महावीर हमारे साथ लाइव खड़े हैं। महावीर, पहले तो जानना चाहेंगे जो घायल है, घायलों की स्थिति क्या है, और उसके बाद हादसे की भी जानकारी दीजिए। जी, जो इस घटना में जो घायल हुए हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। जिंदगी और मौत के बीच में वो जीझ रहे हैं, और यहाँ अभी जो खबर आ रही है कि उसमें से एक की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है, इसीलिए न्यूज 11 भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जो खबर आ रही है कि मृतकों की संख्या एक बढ़ गई है, जो घायल थे उसमें एक की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उनको इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था, और जो सूचना मिल रही है कि जाते समय रास्ते में ही उसकी एक की और मौत हो गई है। और घटना के लिए जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रामगढ़ भुरकुंडा मार्ग के बीच में हेहल गांव है। गांव के लोग सड़क किनारे खड़े थे, विजयदशमी का पर्व है, और आज के दिन रावण दहन देखने के लिए वहां पे वो सड़क किनारे अपनी बाइक लगा के परिवार के साथ खड़े थे। उसी दौरान कोयला लदा एक हाईवा डंपर तेज गति से आया और उन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, और इस घटना के बाद 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल भेजा गया, और उसके बाद उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत रिम्स रेफर कर दिया गया। इधर जो घटना हुई उसके बाद जो 5 लोग थे उसमें एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है, उनकी लाश सड़क पर बिखरी पड़ी थी, और उनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा था कि कौन सी लाश किसकी है, और टुकड़े टुकड़े में बटकर लाश सड़क में बिछी हुई थी, और पुलिस वहां पे पहुंचकर उन लाशों के ऊपर कपड़ा ढका और लोगों को शांत कराया। इस बीच जो हाईवा डंपर का जो चालक था वो अपना डंपर लेके भागने का प्रयास भी किया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। गनीमत यह रही कि पुलिस सही वक्त पे वहां पहुंच गई, लेकिन घुसाए ग्रामीण उनकी पिटाई करके उनकी जान भी ले सकते थे। और उसके बाद इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने रामगढ़ भुरकुंडा मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया, जो जाम अभी तक वहां पर है। SDPO वीरेंद्र चौधरी वहां पे पहुंच चुके हैं, घटना के बाद ही लोगों को काफी समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और आप कह सकते हैं कि दशहरा का जो पर्व था, खुशी का जो पर्व था, वो मातम में बदल गया है। जी,
बाबिर जाना चाहिए ड्राइवर शराब पी रखी थी, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे ट्रक असंतुलित हो गया, पहला ये। दूसरा ये भी है कि कैसे नो एंट्री में ट्रक लदी गाड़ी घुसी, ये भी एक सवाल है। तो पहले बता दूं कि जो ट्रक का जो ड्राइवर डंपर का जो चालक है उसके मुताबिक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, लेकिन इतने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में और पर्व के समय जहाँ भीड़ लगी हुई थी, गांव में चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, लोग सड़क किनारे खड़े थे और उस दौरान उस तरह हाइवा डंपर और वो भी कोयला लगा हुआ वहां पहुंचना अपने आप में अलग बात करता है। ये जब नो एंट्री का समय है, पुलिस प्रशासन के द्वारा बार बार ये कहा गया है कि रावण दहन समारोह तक यानी आज के दिन तक बड़ी गाड़ियां की नो एंट्री रहेगी, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि बड़का काना और भूरकुंडा आने वाले जो मार्ग है वहां पर इस तरह की के वाहन चलते रहते हैं, भीड़ भाड़ में भी चलते रहते हैं और रेलवे साइडिंग में जाके अपना माल गिराते हैं। ये कह सकते हैं कि जो वहां पे पुलिस कर्मी वहां मौजूद थे ड्यूटी में, उनकी लापरवाही के कारण वो हाईवे डंपर है वो वहां से निकला और इस घटना दर्द भरी घटना हो गई। अगर आज के दिन डंपर वहां निकलता ही नहीं तो जो पहले से नो एंट्री था तो इस तरह की घटना नहीं होती। जी चलिए, हम यही कामना करते हैं कि जो लोग जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। बहुत शुक्रिया महावीर, दर्दनाक हादसा रहा ये रामगढ़ के इतिहास में, बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।